मॉड्यूल 197 एनोरेक्सिया नावोसा एनोरेक्सिया नवोसा बेसिकली अ टाइप ऑफ ईटिंग डिसडर इसके अंदर होता ये है कि द चाइल्ड इज परसीव हिम और हर सेल्फ दो द बॉडी ऑफ द चाइल्ड एज थे सो बेसिकली ये ऐसा डिस्टॉर्टेड परसेप्शन होता है uh, किसी भी चाइल्ड का या एडोलस का अपनी बॉडी इमेज के बारे में जो कि रियलिटी के साथ मैच नहीं कर रहा होता फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसकी वेस्ट जो है आ, वो बहुत थिन है लेकिन जब वो अपना इमेज जो है वो मिरर में देखेगा तो उसको वो चीज़ बहुत ज़्यादा फैट लगेगी ठीक है या उसको यूँ लगेगा कि वो अबेसिटी की तरफ जो है उसकी बॉडी का ट्रेंड है तो एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो नर्वसनेस की वजह से स्टावेशन करते हैं ठीक है दे आर टेकिंग वेरी लेस फूड जब हम देखते हैं कि जो अनोरेक्सिया नसा है उसकी कॉमनली सिम्टम्स कौन सी होती हैं या हम कब कहते हैं कि एक बच्चे को जो है वो अनोरेक्सिया नवोसा है उसकी डिफरेंट सिम्टम्स और साइंस जो हैं उनको हम देखेंगे लेकिन यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आपने अपने जहन में इस बात को रखना है कि जो लोग ये कहते हैं कि वो ओबीस हैं एंड दे वॉन्ट टू डू डाइटिंग वो डिफरेंट है एनोरिक्सिया नवोसा के कॉन्सेप्ट से वो डिफरेंट कैसे है कि एनोरिक्सिया नवोसा का जो चाइल्ड होगा या जो एडोल्सन होगा बेसिकली उसकी बॉडी थिन होगी लेकिन वो उसको परसीव एज अ फैट करेगा ठीक है तो ये जो है ये डिफरेंट है आप इसको यूं परसीव कर सकते हो जैसे अगर आप इसमें देखो तो ये रियल उसकी बॉडी है लेकिन जब वो अपने आप को मिरर में देख रही है तो उसको लग रहा है कि जो देख रही है या देख रहा है क्योंकि इसमें जेंडर वो नहीं है क्लैरिटी तो आप उसको देखो कि उसमें क्या फील हो रहा है कि जो बॉडी है वो एक्चुअल साइज से बड़ी है ठीक है तो इस तरह की डिस्टॉर्टेड परसेप्शन जो है वो आमतौर पर बच्चों की होती है अब कौन से साइंस होते हैं एनोरेक्सिया के जिसकी वे में हम कहते हैं कि जो चाइल्ड है या जो एडोलसन है उसको जो है एनोरेक्सिया है उसमें नंबर वन क्या है के जो हेल्दी वेट है वो वो मेंटेन नहीं करता लाइक फॉर एग्जांपल अगर फाइव फीट के ऊपर जो आपका वेट है वो फोर्टी टू फोर्टी फाइव की रेंज में होना चाहिए तो इनका जो वेट है वो अंडर वेट होगा ठीक है हो सकता है थर्टी फाइव हो हो सकता है थर्टी हो हो सकता है इससे भी लेस हो तो जो वेट है वो अनहेल्दी होगा देन एक्सट्रीम फियर ऑफ वेट गेन होगा लाइक वट एवर दे आर टेकिंग एन दे जस्ट परसीव के जो उनका वेट है वो उसके खाने से ही इंक्रीज होगा इवन दे आर जस्ट टेकिंग सिंगल बाइट्स देन जो एक और फीचर आपको इनके अंदर नज़र आएगा कि इनके अंदर कंटिन्यूस डाइटिंग आपको नज़र आएगी अगर आप एक नॉर्मल पैटर्न ऑफ डाइटिंग देखो तो यूजुअली आप देखते हो कि जो लोग होते हैं दे सेट के उनको डाइट करना मुश्किल लगता है या उनके चीटेज आते हैं लेकिन ये जो एनोरेक्सिया के बच्चे होते हैं इनको मोस्टली जो डाइटिंग होती है वो इतनी कंटिन्यूस होती है कि उसके दरमियान में कोई ब्रेक आता ही नहीं है तो दिस इज समथिंग देन द एक्सेसिव एंड कंपल्सिव एक्सरसाइजिंग दे डू द एक्सरसाइज अलॉट क्यों कंपनसेटरी बिहेवियर के तौर पे अब जब मैं ये कह रही हूँ कंपनसेटरी बिहेवियर तो ये इसका मतलब क्या है कंपनसेटरी बिहेवियर का मतलब ये है दे टुक द फूड एंड देन दे फील दे हैव ईटन अलॉट when they perceive this thing that they have eaten a lot then what they will do they will try to burn the calories so on the basis of that jo hai wo unki excessive or compulsive jo exercising hai wo start ho jati hai then binge obsessed with diet and calories ab binge obsessed ka kya matlab hai ke they eat little bit of food in between और उसके बाद क्या करेंगे कि उसे purge कर देंगे ठीक है यानी purging कर देंगे उसको vomit out कर देंगे तो जो बेंच ईटिंग है वो भी इनके अंदर सर्टन टाइम रिपोर्ट की गई है उसके बाद वेरी रिस्ट्रिक्टिंग ऑफ वर्ड दे ईट जो फूड इनटेक है उसकी जो आ, कौन सा फ़ूड उन्होंने लेना है कौन सा उन्होंने नहीं लेना वो उसको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं लाइक अगर उनको ये पता चल जाए कि इस फूड के अंदर इतनी कैलोरीज हैं तो वो वो बिल्कुल नहीं लेंगे और उससे लेस फूड जो है उसको लेने को प्रेफर करेंगे अगेन यहाँ पर आपने ये इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सर्टेन टाइम कुछ लोगों को कुछ फूड के साथ एलर्जी होती है जिसकी वजह से वो फूड जो है वो रिस्ट्रिक्ट होता है लेकिन सर्टेन टाइम ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है इसके बावजूद दे आर जस्ट रिस्ट्रिक्ट फूड बाई सेलोरीज इन रिस्ट्रिक्शन ऑफ फूड जो है वो आपको इसमें नजर आएगी देन अवॉइडिंग फूड और डीइंग हंग ठीक है और अगर उनके सामने आप खाना रखेंगे तो देूज या वो ये कह देंगे कि हमें भूख नहीं लगी यानी दे मिस देयर मील्स तो या तो वो डाइनिंग टेबल पे ही नहीं आएंगे अगर डाइनिंग टेबल पे आएंगे तो बहुत से फ़ूड्स को वो अवॉइड करेंगे एंड दे जस्ट टुक द फूड विच इज़ लाइक जिसके अंदर जो आपकी न्यूट्रिशन है वो भी मिनिमम हो और जिससे कैलोरी इनटेक भी उनको लगे कि बहुत कम है ऐसे बच्चों का आमतौर तौर पर यह भी बिहेवियर ऑब्जर्व किया गया है कि जब ये डाइनिंग टेबल्स पर आते हैं तो ये बहुत लिटल पोर्शन अपने प्लेट में निकालते हैं फिर उनको बहुत आहिस्ता आहिस्ता च्यू करते हैं और यूजुअली कोशिश करते हैं कि उस फूड को जो है वो मतलब इनटेक ही ना करें और उसको ज़ाया कर दें तो इस किस्म का बिहेवियर भी जो है वो इनके अंदर देखने में आया देन रिचुअल्स रिगार्डिंग फूड अब रिचुअल्स का क्या मतलब है जिस तरह हम देखते हैं कि कंपल्सिव एक्ट्स होते हैं लोगों के कि हमने जैसा अभी हमने बात की कि अगर ये फूड इन्होंने लिया है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो हम सर्टेन टाइम कहते हैं कि इनके अंदर कंपल्सिव बिहेवियर जो है वो डेवलप होता है उसी में एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं रिचुअल्स रिचुअल्स डेवलप करने का क्या मतलब होता है कि पहले हर एक तरतीब में चीज़ को लेना ठीक है रिचुअली चीज़ों को करना उसमें ये पहले कहेंगे कि पहले हमने बनाना लेना है फिर हमने मिल्क लेना है फिर हमने सूप लेना है दो इट इज नॉट पॉसिबल कि वो इतना हेल्दी मील लें एनोरेक्सिस इतने हेल्दी मील नहीं लेते लेकिन अगर उनके सामने ये तीन चार चीजें होंगी तो दे विल टेक देम इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी लेकिन लेंगे वो इसी ترتیب में ठीक है यानी वो रिचुअली चीजों को जो है वो लेने की कोशिश करेंगे ठीक है तो इसको आप समझ सकते हो कि इस किस्म के साइंस जब आपको किसी बच्चे के अंदर नजर आए तो आप ये कहोगे कि उसको एनोरेक्सी है अगेन आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो उसके रिचुअलिस्टिक बिहेवियर हैं या उसका जो कंपल्सिव एक्ट है दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ ओ ठीक है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से रिलेट नहीं कर रहा रादर ये पर्टिकुलरली रिलेट कर रहा है एनोरेक्सिया नर्वोसा से तो अगर ये सिर्फ और सिर्फ ईटिंग पैटर्नस के रिगार्डिंग प्रॉब्लम होगा तो हम कहेंगे कि ये जो बिहेवियर है वो एनोरेक्सिया नर्वोसा से रिलेटेड है लेकिन अगर उसके कंपल्सिव एक्ट्स कुछ और होंगे फॉर एग्जाम्पल दो नॉट रिलेटेड विद द फूड जिस तरह जर्म्स के रिलेटेड उसके कोई कंपल्सरी एक्ट्स हैं या कोई और रिचुअल्स हैं लाइक like काउंटिंग है तो उसके रेफरेंस में आप ये कह सकते हो कि वो चीज़ जो है वो ओ में यानी ऑबसेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में आएगा वो एनोरेक्सिया नवोसा में नहीं आएगा एनोरेक्सिया नवोसा की जिस हमने साइंस पढ़े हैं अब एनोरेक्सिया नोसा जो है वो किसी भी इंडिविजुअल की फ़िज़िकल हेल्थ जो है वो उसको भी इफ़ेक्ट करती है ठीक है और जब वो उसकी फ़िज़िकल हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है तो हमने ये देखना है कि वो किन किन एरियाज़ को इफ़ेक्ट करेगी जिस तरह उसके ब्रेन एंड नर्व्स को इफ़ेक्ट करेगी ब्रेन एंड नर्व्स का क्या मतलब है कि उसका जो मूड है वो इरिटेबल रहेगा उसको वो फेंट हो सकता है उसके ब्रेन केमिस्ट्री में चेंज आ सकती है इसी तरह जो उसके हेयर हैं उसकी क्वालिटी जो है वो पुअर हो सकती है जो उसका हार्ट आ, है उसके जो हार्ट बीट की रेट है वो लो हो सकता है ठीक है हार्ट फेलियर भी हो सकता है क्यों क्योंकि जो आपकी इनटेक ऑफ फूड है वो इसमें बहुत मिनिमम हो जाती है देन जो ब्लड है डेफिनेटली जब फूड नहीं जाएगा तो ब्लड कहाँ से बनेगा एनीमिया हो सकता है मसल्स एंड जॉइंट की प्रॉब्लम हो सकती है जिसमें जो मसल्स हैं वो आपके वीक हो सकते हैं जो बोन्स हैं वो वीक हो सकती हैं तो मसल्स एंड ज्वाइंट्स का जो है वो प्रॉब्लम आ सकता है देन किडनी किडनी फेलियर जो है वो भी सर्टेन टाइम रिपोर्ट किया गया है और चूंकि ये लिक्विड्स भी इतने ज़्यादा नहीं ले रहे होते तो जिसकी वजह से सर्टेन टाइम किडनी स्टोन्स जो हैं वो भी रिपोर्टेड होते हैं इसके साथ साथ जो ब्लड फ्लूड्स हैं जिस तरह पोटाशियम है मैग्नीशियम है सोडियम है, है वो भी लो हो जाते हैं इंटेस्टाइन्स भी जो है वो इफेक्ट होती हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग का जो प्रॉब्लम है वो इनको डेवलप हो सकता है हार्मोन्स जो है आमतौर पे एडॉलसन में अगर वो अंडरवेट हो जाए तो एमोरिया जो है वो डेवलप हो जाता है तो ये प्रॉब्लम भी उनको हो सकता है इसके साथ साथ जो उनकी स्किन है वो ड्राई हो जाती है जो ग्रोथ ऑफ हेयर ऑल ओवर द बॉडी है वो भी जो है वो इफेक्ट हो जाते हैं स्किन अब येलो हो जाती है इस तरह जो उनका पूरा फिजिकल सिस्टम है बेसिकली वो क्योंकि उनका फूड इनटेक अप्रोप्रिएट नहीं होता और वो अंडर वेट होते हैं और मेल न्यूट्रिशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है तो वी कैन से कि ये सारे फ़िज़िकल सिम्टम्स हमें एनोरेक्सिया नर्वोसा के चाइल्ड के ऊपर नज़र आएंगे